बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नईम यासीन और आज की इस एपिसोड व्लॉग में हम लोग कहीं सरप्राइजिंग है जा रहे हैं जहां। तो देखिए मेरे साथ कौन कौन आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? बस सब जाने की तैयारी है, निकलने लगे हैं हम लोग। ना कहां जा रहे हैं खबर बता दो। करतारपुर कॉरिडोर जो है वहीं जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना कि कैसी लगी और आप हमें फिर बताना। हम लोगों ने कामी और खावर तो ऑलरेडी पहले मेरे साथ थे, बकर को उसके घर से हम लोगों ने पिक किया है और अब पेट्रोल वेट्रोल डलवा के हवा टायर्स की चेक करवा के अभी निकल रहे हैं लाहौर से। तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र ये अच्छा गुजरेगा, अल्लाह ताला हमें सही सलामत पहुंचाए और वापस ले आए। तो एंड तक हमारी वीडियो में बने रहे हैं और देखें हम किस तरह इंजॉय करेंगे और जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस हम लोगों ने रावी टोल प्लाजा इंटरपास कर लिया है, हम लोग अब गुजर गए हैं। अब हम लोग ननकाना करतारपुर कॉरिडोर की तरफ निकल आए हैं। अभी M2 पे हैं, फिर सियालकोट मोटरवे पे होंगे, देन हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे 20-25 मिनट का सफ़र है ये। तो आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सफ़र दिखाएंगे भी सही और जो असल इन्जॉयमेंट है ना वो सफ़र की है दोस्तों के साथ। वहाँ पर तो जाना है, हमने देखना है, बस आ जाना है, लेकिन जो इन्जॉयमेंट है वो सफ़र की है असल। हाँ, और गाड़ी आज स्लो ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अभी धुंध है। हम लोग सियालकोट मोटरवे से आप नीचे उतर चुके हैं नारो वालो। सियालकोट मोटरवे से नीचे उतरे हैं, अब नारोवाल की तरफ जा रहे हैं और ये हमें मैप जो है गूगल मैप बता रहा है कि एक घंटा 39-40 मिनट का सफर है। तो ये रोड भी खराब लग रही है, टाइम देखते हैं कितना लगता है। जीटी रोड है ना? हाँ, इस रोड की बात कर रहा था आया मैं। हाँ, जो खराब है रोड। हम लोग ना इधर नारोवाल के पास कोई पहला फास्ट टूर प्लाजा आया है, देखो छोटा सा ये वाला, तो इधर रुके हैं। और ऊपर से खावर को थोड़ा वाशरूम आ गया था तो खावर फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना हम लोग थोड़ा उधर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम लोग ना यहाँ चेक पोस्ट पे ठहरे हैं, अपनी आइडेंटिटी करा रहे हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। तो ये पूछ रहे हैं हमारे जवान पुलिस वाले और रेंजर्स वाले ठहरे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। और इस बंदे को वो कह रहे हैं कि ये मशकूक लग रहा है। हम लोग पार्किंग से अब जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो देखते हैं अभी अंदर कितनी चेक पोस्ट आती हैं। पहले भी बहुत 3-4 चेक पोस्ट थी, फुल चेक कदम पे एक चेक पोस्ट है क्योंकि ये जनवन मसला है ना, सीरियस, तो कुछ भी हो सकता है। सही कर रहे हैं हम लोग, नहीं वैसे भी हमारे साथ एक आदमी ऐसा है ना, इस वजह से ज्यादा रोकते हैं। हाँ, ये भाई है तालिबान टाइप। गाइस एंट्री करवा ली है हम लोगों ने, अब अंदर आ गए हैं। तो अभी आगे जाना है, थोड़ा सा दूर है, वहां से टिकट लेंगे 200 पर पर्सन, देन हम लोग आगे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या सीन है। ये पब्लिक पार्किंग है और वहाँ सामने से आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे वहाँ टिकटें मिल रही हैं जहाँ से हम लोग टिकट खरीदेंगे। तो ये भाई ऐसे शहीदों की तरह जा रहे हैं। तो यहाँ पे ATM की सहूलत भी मौजूद है लेकिन आई थिंक लॉक लगा हुआ है। नहीं चल रही है यार, लोग नहीं है, चल रही है, चल रही है। हबीब बैंक भी है वो, तो सामने टेंशन नहीं लेनी, पैसों नजर आ रहा है वो करतारपुर, वो नजर आ रहा है। टिकट्स हम लोगों ने ले ली हैं, अब आगे स्कैनर है, वहाँ से स्कैन होंगे, आईडी कार्ड दिखाएंगे, फिर आगे बस ठहरी है जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये ठहरी है, इसमें बैठ के आगे जाएंगे।
लोग पहुंच गए हैं, स्कैन वकैन होके आईडी कार्ड चेक पोस्ट क्रॉस करके। अब वो लोग बोल रहे हैं कि बस पे जाना है, तो सब इकट्ठे हो रहे हैं और बस पे जाएंगे। सो गाइस, फाइनली आफ्टर स्ट्रगल हम लोगों को एंट्री मिल गई है, हम लोग इंटर हो गए हैं। एंट्री मिली है, खबर कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी एंट्री के लिए। चेकिंग बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सिक्योरिटी बहुत सख्त रखी हुई है, लेकिन फाइनली ये इनकी एंट्रेंस है दर्शन रेवड़ी। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो गाइज, हम लोग में दर्शन रेवड़ी नाम की कोई दो बजे ज्वाइन करेंगे, तो इधर इंटर हो गए हैं। तो आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या व्यूज आते हैं। कैब भी उन्होंने दी है और ये कार्ड, और अब हम लोग मेन जगह पे पहुंच गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेन गुरुद्वारा है। और कमरान कैसा बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक कर दिया यार, बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा। और इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं देखने के लिए। और बहुत प्यारा है, पुरसकून और बहुत प्यारा है, बहुत। ये खावर और बकर भी आ रहे हैं, लड़ रहे हैं पता नहीं किस बात पे। वैसे उन्होंने कहा तो है कि वीडियो ना बनाना, जस्ट सेल्फीज ले लेना, बट मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ। सारा सफर हो गया है, हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। गाइज, हम लोग वापस आ गए हैं पार्किंग की तरफ। इतना बड़ा गुरुद्वारा देख के बहुत थक गए हैं, ना कोई लंगर था ना कुछ था, भूख से मर रहे हैं। लंगर सिर्फ उनके लिए, इंडियन वालों के लिए, जो इंडिया से आए हुए हैं उनके लिए ही लंगर था, बाकी कुछ भी नहीं है। और इतना भूख लगी हुई है ना, मर रहे हैं। तो अब गाड़ी में बैठते हैं और अपना वापसी का सफर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाम भी हो रही है, सूरज भी जाने वाला है, तो जाने की तैयारी करते हैं। देखिए, सो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं और खावर भी और कामरान भी घर चले गए हैं, और बकर को पहले ड्रॉप किया है। तो खावर और कामरान की बाइक इधर मेरे फ्लैट पे ठहरी थी, तो यहाँ से वो लोग चले गए हैं और मैं अभी चेंज करने लगा हूँ। वहाँ से आए हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र वापसी पे करके। और आप बताएंगे ये आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, करतारपुर का विज़िट कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।